थैंक यू सो मच नूर निजामी, आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव शो पर। बहुत समय से मैं आपका इंतजार कर रहा था और देर आए दुरुस्त आए। आपके लिए के शायरी, वो कहते हैं कि नूर भी है गुरूर भी है, मूनलाइट क्रिकेट टीम का कोहिनूर है। नूर जब तक मैदान पे होते हैं तब तक वो जीत का उम्मीद होता है, और वो जीत का उम्मीद आप रह चुके हैं मूनलाइट के लिए। सिर्फ मूनलाइट के लिए नहीं, आपको बड़े बड़े टीम के साथ खेल चुके हैं, उड़ीसा के हर कोने पे जाके अपनी प्रतिभा को दिखा चुके हैं, और आज इस लाइव शो पर आपके क्रिकेट करियर के बारे में और थोड़ा सा उड़ीसा टेनिस क्रिकेट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मैं आपको 30 से 40 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप देंगे। पहला सवाल आपके सामने, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट तो केंद्रापाड़ा है, हेड पोस्ट तेंडापुरा पंचायत जी पाटपुरा थाना। जी बिल्कुल। क्रिकेट का शुरुआत कैसे हुआ था, आपके कैरियर को आप जो भी उठाकर देखते हैं, स्टार्टिंग कैरियर के बारे में हम जानना चाहेंगे। कैसे ये क्रिकेट का जुनून आया आपके अंदर, और उस जो पहला पल था आपका उसके बारे में बताइए। स्टार्टिंग कैरियर के बारे में जानना चाहेंगे नूर भाई। स्टार्टिंग तो मतलब कैसे हुआ था स्टार्टिंग, किसको देखकर आपने शुरुआत किया था, या फिर क्रिकेट से लगाव थी और क्रिकेट खेलने का एक जुनून था, किस तरीके से आपने शुरुआत किया था, कब से शुरुआत किया था, कौन सा साल था जब से आपने एक बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेलने लगे। 2014 2014। और किससे मोटिवेटेड, किससे हुए थे। आसिफ इकबाल और असलम हाँ, खान, उन्होंने इनको मौका दिया। हाँ, बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए जो मौका मिला अभी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। और क्या, जी बिल्कुल, असलम और आसिक इकबाल दो लाजवाब खिलाड़ी रह चुके हैं, और हम जब भी 10-12 साल क्रिकेट उठाकर देखते हैं तो फिर उस समय का बेताज बादशाह थे असलम और आसिक इकबाल, तो उनको देखकर आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और 2014 पे आपने टूर्नामेंट खेले, हाँ और 2014 यानी कि 14 6 तो 8 साल हो चुका है आपको क्रिकेट खेलते हुए। बिल्कुल, एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए यादगार हो, और पूरा फ्री हो जाइए, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। मैं आपके लिए कमेंट्री करता हूँ, मैदान होता है वहां पे भी प्रेशर होता है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है नूर भाई। एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए, आप मूनलाइट के लिए बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन कौन सा एक मैच जो आपका फेवरेट मैच हो। स्टार्टिंग मुलायम के दर्शन कैसे भी लकी स्टार महंगा क्रिकेट हाँ टूर्नामेंट, वहां पे मैं पहला साल खेला था। वो अगेंस्ट टीम मुस्कान टीम था, मुस्कान टीम अगेंस्ट अगेंस्ट था। क्या, कितना आपने हाँ विकेट चटकाया था उस मैच में, जहां जिसके लिए आपके लिए वो यादगार रहा है महंगा टूर्नामेंट। सुपर ओवर का मैच था वो, मतलब बहुत ज्यादा कंटेस्ट वो मैच हुआ था। जी सुपर ओवर पे हम लोग का टीम बनाया था 9 या 10 रन, 10 या 11 रन बनाया था वो जी मैच पे। सुपर ओवर पे 2 विकेट लेके टीम को जीत दिलाया था। वो क्या मैच बहुत बात है, ज्यादा याद है, मेमोरेबल। जी बिल्कुल, ये हुआ ना बात, मेरा सवाल का सही जवाब आपने दिया। एक रिकॉर्ड को याद कीजिए जो आपने खुद बनाया था, और वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो नूर ही तोड़ सकते हैं और कोई खिलाड़ी तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि आपका बेस्ट कौन सा टूर्नामेंट पे आया था, कौन सा मैच में आया था, और जो रिकॉर्ड आपने खुद बनाया था। मतलब
गए नहीं हैं आज तक इंटरनेट पर, सिर्फ फोन से ही करके बैठे हैं इसको हम। के बेस्ट फिगर को याद कीजिए क्योंकि आप गेंदबाज रह चुके हैं। बावे वन के तरफ से खेलने के लिए गया था केंद्रापाड़ा साइड पे, वो जगह का नाम होता है जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, बाबा इलेवन टीम था, तो मैं दो मैच खेला था उनके तरफ से, 11 विकेट लिया था और एक हाफ सेंचुरी भी लगाया था। क्या बात है, मतलब बल्ले के साथ गेंद के साथ अपने कमाल किया था और कुल मिलाकर 11 विकेट एक टूर्नामेंट पे आसान होता नहीं है। और उस समय आप प्ले पे नजर आए थे और आपने काफी लाजवाब गेंदबाजी की थी। एक मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए नूर निजामी, जो आपके लिए वन ऑफ द स्पेशल मैन ऑफ द मैच हो। बहुत सारे मैचेस में आप मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन इसी सीजन क्या याद कर लीजिए। आधार कार्ड मैच का बोल, चलिए जो भी आप बता सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड होना चाहिए। सोचता मैं याद नहीं आ रहा है, वो नाइट मैच पंचपली, वहां पंचपली पे हाँ आप ही ने दिया था, वो अच्छा जी लगा था। हाँ बिल्कुल, वहां पे आप मैन ऑफ द मैच भी बने थे और काफी अच्छी आपने बल्लेबाजी भी की थी गेंदबाजी भी की थी। मैन ऑफ द सीरीज को याद कीजिए क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड बहुत मायने रखता है। और कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे हर मैचेस में आपने कमाल की खेल दिखाया था जिसके वजह से आपको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड से नवाजा गया। मैन ऑफ द सीरीज बड़ा उदयपुर नाइट मैच, बड़ा भद्रपुर नाइट मैच। एक चैंपियनशिप को याद कीजिए नूर भाई, जो आपके लिए एक बेस्ट चैंपियनशिप हो, मूनलाइट के लिए अपने अपनी बलबूते पे अपनी टीम को चैंपियन बनाया था और हार नहीं माने थे आप। अच्छा वाला कुछ मेरे को एक दो मैचेस याद आ रहा है जहां पे एक गोरखनाथ पे जो मैचेस हुआ था नाइट मैच, वहां पे मुनलाइट ने काफी जबरदस्त खेल दिखाया था और भी बहुत सारे मैचेस है, लेकिन आपके लिए कौन सा मैच मतलब चैंपियन जिसमें हुआ था ना मुनलाइट टीम, बिल्कुल वहां पे तो बिल्कुल हार गए थे गोरखनाथ पे। हाँ वहां पे हार मिला था, आई एम सॉरी। केंद्रापाड़ा पे केंद्रापाड़ा नाइट मैच, नाइट मैच कौन सा एरिया थोड़ा सा याद करेंगे हमारे लिए। कुछ सासई पुल है उसके करीब में, जी असलम भाई, असलम भाई को अगर से याद हुआ तो लाइव में अगर जुड़ेंगे तो वो जगह का नाम वो याद रखे होंगे। असलम भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे और आसिफ भाई लेकर आई को भी हम लोग वहां पे हराए थे, बहुत रुकी अच्छा रही वो टूर्नामेंट अपनी था, यादगार टूर्नामेंट था नाइट मैच में। क्या बात है। मूनलाइट स्पोर्टिंग क्लब पाइकापुल, मैं इस टीम को जब देखता हूं तो फिर जगत सिंहपुर केंद्रापड़ा एरिया का सबसे मजबूत टीम माना जाता है मूनलाइट स्पोर्टिंग क्लब।
थोड़ा सा आपकी टीम के बारे में मैं जानना चाहूंगा। टीम का ओनर, मैनेजर, कप्तान और जो साथी खिलाड़ी हैं, किस हिसाब से आप तैयारी करते हैं, किस हिसाब से टीम का माहौल रहता है, थोड़ा सा आपकी टीम के बारे में खुलासा कीजिए तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। मुनलाइट स्पोर्टिंग क्लब किस किस्म का टीम है? हमारे ओनर जो भी है, मैनेजमेंट जो भी करते हैं, असगर अली, और प्लेयर तो बहुत सारे हैं, जैसे हो गए बबलू शेख, आसिफ इकबाल, इरफान शेख, वो भी थे, वो तो अभी फिलहाल नहीं खेल रहे हैं, वो भी साथ में, बोलो तो वो भी साथ में स्टार्टिंग में हम लोग दोनों खेले हैं बहुत सारा मैच, वे भी एक साथ में खेलते थे मुनलाइट के लिए। बिल्कुल। कभी मतलब कोई टूर्नामेंट आता है, आप वहां पे जाएंगे खेलने के लिए, तो सोच लीजिए कल टूर्नामेंट है, आज कोई बातचीत चल रहा है आपके टीम के साथ, तो क्या बातचीत होता है और लीडर होके कौन सा खिलाड़ी बताता है कि हमको इस प्लान के साथ आगे की तरफ बढ़ना है, और किसका बात आप सुनते हैं, उस टाइप का खिलाड़ी कौन है आपके टीम मेंबर पे? आसिफ इकबाल जी और असलम खान कभी भी खेलते हैं तो उनका भी सुनना पड़ता है। जी दो सीनियर खिलाड़ी का आपने नाम लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं नूर भाई, बल्लेबाजी करते हुए आपने कभी सेंचुरी लगाया है? सत्य की पारी? नो। कभी हाफ सेंचुरी, अभी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आप बल्लेबाजी भी कर लेते हैं ठीक ठाक, आने वाले समय पे हम इंतजार करेंगे कि आपके बल्ले से सेंचुरी आए और आप शतक वीर बने। गेंदबाजी पर कभी आपने 5 विकेट लिया है, पंजा खोला है? हाँ वही तो, वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां पे भी मैन ऑफ द सीरीज हुआ था नेक्स्ट ईयर, बाबा करते। हाँ 6-5-11, एक ओवर पे 5 विकेट नहीं लिया था, 4 विकेट हाईएस्ट है, तो 2-3 जगह पे वो। चलिए अब आपके सामने मैं जो सवाल पेश करूंगा, थोड़ा सा सोच समझ कर उसका जवाब आप देंगे। टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट, इसे 5 बल्लेबाजों का नाम लीजिए जिन्होंने आपको प्रभावित किए हैं और माशाल्लाह इस सीजन पे उन्होंने कमाल की बैटिंग किए हैं। इस सीजन पांच जी तो नहीं हो सकता, 6 या 7 बोल सकता हूँ, 10 बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी है मिला के। हाँ चलिए राइट ही से शुरू करते हैं। एक नंबर पे सुमन भाई, भुवनेश्वर यूनिट 19, जी जगन भाई, निखिल, जी सुनील कालिया भुवनेश्वर, जी चुई का या नंबर 3 पर बेना भाई, भुवनेश्वर देना भाई। सागर, कितने हुए? सिर्फ 4 हुए हैं, सुमंत, जगन, चुई कालिया, बेना, कंटिया, कंटिया। 5 हो चुके हैं, क्या असलम का नाम आप आप रखना चाहेंगे इस लिस्ट पे? 6-7 नंबर पे हैं। जी असलम, असलम का नाम आपने रखा, और एक दो बल्लेबाज का नाम ले सकते हैं हम। आकाश समरपुर, विकेट कीपर बैट्समैन। जी आकाशनाथ, बस इतना ही। तो ये जो 5 5 6 बल्लेबाजों का आपने नाम लिया, बतौर गेंदबाज किस बल्लेबाज के सामने थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है, थोड़ा सा आप पटप्पा पकड़ कर गेंदबाजी करना चाहेंगे, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना चाहेंगे अपनी गेंदबाजी पर? जयन भाई, जगन भाई, क्यों आपने जगन भाई का नाम लिया? बहुत सारे बल्लेबाज हैं लेकिन जगन के पास क्या ऐसे खास बात है जिसके वजह से नूरी निजामी थोड़ा सा दिक्कत पे आ सकते हैं, क्या खास बात है? ऐसे देखिए प्लेयर है, आप उनके साथ खेल चुके हैं, बहुत करीब से आप जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा जगन के बारे में बताइए। जगन
क्या उनका शॉट सिलेक्शन आपको पसंद है हाँ खेलने का ढंग? हाँ शॉर्ट सिलेक्शन। बिल्कुल। अब आते हैं टॉप 5 बॉलर, ऐसे 5 गेंदबाजों का नाम लीजिए जिन्होंने उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे छाप छोड़ा है। गेंदबाजों 5 गेंदबाजों का नाम? मैं लेफ्ट हैंड रखता हूँ, जो जितने भी बॉलर जी हैं। नंबर 1 पे आएंगे आनंद कुमार दास जगतसिंहपुर, जी नंबर 2 पे बाबूनी केंद्रापाड़ा, नंबर 3 पे पिलाड़ू संबलपुर, नंबर 4 पे लकी भाई निम्न आसिफ आसिफ महालक्ष्मी, आनंद जी, महालक्ष्मी हाँ हाँ लकी, कितने 4। 4 हो चुका है और एक सिलू जगतपुर कटक। सिलो। कोई राइट हैंड गेंदबाज का नाम आप लेना चाहेंगे? 5 तो आपने लेफ्टी ले लिया, तो राइट ही पसंद नहीं करते आप। चलिए कोई बात नहीं, 5 गेंदबाजों का आपने नाम लिया, आनंद भाई, सिलू, दीपक कुमार सामल, बाबूनी, पिलाड़ू, ऐसे और भी बहुत सारे गेंदबाज भी हैं जिन्होंने उम्दा बिल्कुल गेंदबाजी किए हैं, लेकिन बतौर बल्लेबाज आप जब ये पैड पकड़ कर पीछे मैदान पे खड़े हुए हैं तो किस गेंदबाज के सामने आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड पे बैटिंग करना चाहेंगे, ज्यादातर जोखिम नहीं उठाएंगे? चिनो 20 रन। चले, टोटली आपने एफर्ट किया, ये 5 गेंदबाज को आपने चिनू का नाम लिया, और चिनू के पास वो काबिलियत है, अंदर बाहर गेंद करते हैं और काफी लाजवाब गेंदबाज रह चुके हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर के ऊपर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट पे कमाल का उन्होंने खेल दिखाया है, ऐसे 5 ऑलराउंडर का नाम लीजिए। ऑलराउंडर जी नंबर 1 पे विश्व रंजन साहू चिनू, जी इमरान खान, जगत जगत राम भोई, मंटू भाई आईआरसी, मंटू जी, पुआ भाई पिपली। पिपली पुआ, ये 5 ऑलराउंडर का आपने जो नाम लिया, ये एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, और इस समय मैं स्टाइलिश बॉय इम्तियाज को गुजारिश करूंगा, जो आपका सवाल है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जहां पे हम नूर इजामी को उस सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे आपके लिए खास तौर पर। अब आते हैं ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन, यानी कि मैच का सिचुएशन जो भी हो वो आके तबाही करते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम लीजिए। दो चलिए पावर दो, प्लेयर चाहे फिनिश दोनों में, दो प्लेयर, जी बताइए दोनों का नाम। एक मदन और एक अमूल्य पत्र। अमूल्य पात्रा और मदन का आपने नाम लिया, दे दनादन मदन, फियरलेस बैट्समैन, एक्यूरेट बैट्समैन, जैसे जिस तरीके से मतलब नहीं थोड़ा सा उल्टा बोला कि एक्यूरेट बैट्समैन जिस तरीके से गेंद आ रहा है उसी तरीके से उनका बल्ला भी जा रहा है, यानी कि क्लास होना चाहिए उस बल्लेबाज के पास, तो एक्यूरेट बैट्समैन के रूप पे आप किसका चुनाव करेंगे? एक या दो एक दो आप शायद जितना जितना बोल सकते हैं। सुमन भाई स्टाइलिश, जगन आसिफ बस इकबाल। वही, बस एक बार कभी आपने नाम लिया, कोई बात नहीं, आपके कप्तान है, आप कहीं पे भी उनका नाम ले सकते हैं। एक्यूरेट बॉलर यानी कि जो टप्पा पकड़ कर गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? राइटी लीजिए लेफ्टी लीजिए, राइटी का तो आपने नाम नहीं लिया है, नहीं लिया है तो राइटी का ले लीजिए। हाँ मनोज कुमार राउत, हाँ दीपक कुमार सामल, विश्व रंजन साहू चिन, चलिए, बेस्ट फिनिशर यानी कि आखिरी समय पे आके गेम को फिनिश करते हैं,
उस किस्म का खिलाड़ी का नाम लीजिए। फिनिश करना उनको पसंद है। एक शंकरा दास तो मैं सर जी राम हरी। राम हरी जी, दो खिलाड़ी का आपने नाम लिया, बस उसको सिम को हम थोड़ा सा साइड करते हैं। अगली सवाल आपके सामने, गेम चेंजर, ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो गेम को पूरी तरीके से पलट देता है? चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वो ऑलराउंडर भी हो, लेकिन मैच के बीच में आके गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस वो दिलाते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या ने पिछला मैच जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गेम को पूरी बैट्समैन, तरीके से पलट दिया था। बॉलर, ऑलराउंडर, जो कोई भी भी उसके एक या पीछे दो। नाम लीजिए, गेम एक लीजिए, दो लीजिए, कोई बात नहीं। विश्वरंजन साहू जी ना। बस एक एक बस एक, चलिए बेस्ट ओपनर, दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए नूर भाई, जो आपका बेस्ट ओपनर होना चाहिए। मदन सुविधा, मदन सुईकर, चलिए दो विस्फोटक बल्लेबाज का आपने नाम लिया। मदन यानी कि पावर प्ले पे वो कमाल की बैटिंग करते हैं, और चुईकड़िया एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो मैदान के चारों तरफ शॉट खेल सकते हैं। और ये दो बल्लेबाज जब आपके टीम पे दो सलामी बल्लेबाज के तौर पर हो, तो फिर टेंशन आप नहीं लेंगे, आप रनों की बुनियाद बुन पाएंगे। वो उस किस्म के खिलाड़ी हैं। बेस्ट विकेट कीपर, विकेट के पीछे जबरदस्त विकेट कीपिंग करने वाला खिलाड़ी, जिन्होंने पांच 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 बाप, चलिए बताइए, कोई बात नहीं। नंबर वन पे आएंगे मणिकांत दास, नंबर दो पे पेना, नंबर तीन पे आसिफ इकबाल, नंबर चार पे जगन, जी नंबर फाइव पे इरफान। इरफान, इरफान भी विकेट कीपिंग करते हैं, नाइट मैच पे हमने देखा है। चलिए ये पांच विकेट कीपर का आपने नाम लिया। बेस्ट प्लेस बॉलर यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास, हम उनको बुलाते हैं शायद स्पीड स्टार, आप भी हैं, लेकिन आपके अलावा और कोई खिलाड़ी, सिर्फ एक गेंदबाज का नाम लीजिए जिनके पास गति हो। एक अनिस खान, अनीस खान, क्या बात है, आपने सोचा समझा फिर जो नाम आपने पेश किया वो परफेक्ट है, क्योंकि अनीस के पास गति है और अनीस बल्लेबाज के लिए दुर्गति करते हैं। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन यानी कि सिंगल को डबल पे परिवर्तन करना, वो काबिलियत है उस खिलाड़ी के पास। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन यानी कि सिंगल को डबल पे परिवर्तन करना, वो खास बात रही है उस खिलाड़ी के अंदर। सिंगल एक डबल या दो, बनाने की काबिलियत, एक या दो दो। दो 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 ले लीजिए। श्रीनिवास प्रधान, राम रतन। राम रतन, चलिए बेस्ट कट्टर बॉलर, राइट हैंड कटर, मनोज कुमार राव। मनोज कुमार राउत, सेफ हैंड फील्डर, एक फील्डर का नाम लीजिए जो मैदान पे मतलब छलांग लगाता है, उड़ता है वो खिलाड़ी। कितना, दो तीन नाम ले सकता हूं। ले लीजिए फील्डर का, हमने ऐसे तो सवाल कुछ पूछा नहीं था, लेकिन आप पूछ चुके हैं, दो चार फील्डर का नाम लीजिए। बबलू शेख, श्रीनिवास प्रधान, जी विश्वरंजन साहू,
आशीष आशीष आया असलम खान, अय्यर जी। असलम खान। अब आते हैं यहाँ पे हेलो प्रकाश, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि टॉप 5 यंगस्टर खिलाड़ियों का नाम लीजिए जिन्होंने काफी प्रभावित किए हैं इस सीजन को, हम जो उठाकर देखेंगे ऐसे 5 न्यू खिलाड़ियों का नाम लीजिए, यंगस्टर होना चाहिए, यंगस्टर यानी कि यंगस्टर असल। अजहर करीम आएंगे टॉप में, बंधन जी फ्रॉम केंद्रापाड़ा, जी बिल्कुल बबलू इमेज 11 लेफ्ट हैंड जी बैट्समैन, बिल्कुल सलीम खान। वाह, कलीम भाई का नाम आपने भी लिया। और एक चार दीपुना, दीपुना, हाँ दीपुना, दीपुना जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। चलिए ये 5 यंगस्टर का आपने नाम लिया और इनका फ्यूचर ब्राइट हो, ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे ये तबाही मचाए और कमाल के क्रिकेट खेले, इस उम्मीद के साथ हम उनको ढेर सारा अभिनंदन देना चाहेंगे सारे यंगस्टर खिलाड़ियों को। लेकिन अब जो सवाल पूछूंगा, आप बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं, उड़ीसा के हर कोने पे जाके आप खेल चुके हैं, लेकिन ऐसे टॉप 5 बिगेस्ट टूर्नामेंट का नाम दीजिए जहां पे आप खेल चुके हैं या फिर खेलना चाहेंगे, बार बार आप खेलना चाहेंगे, उस प्रकार की टॉप 5 टूर्नामेंट का नाम बताइए। डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज बेहतरीन होना चाहिए, वहां पे लोग आते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं और वो टूर्नामेंट आपके दिल के अजीज हो। नंबर 5 टूर्नामेंट टॉप, टॉप नंबर 1 पे आएगा एसपीएल, जी, सुकुने प्रीमियर लीग। नंबर 2 पे बागीड़ा कप, नंबर 3 पे पाड़ंदा तिरतोल, नंबर 4 पे सोनपुर रॉयल फील्ड, क्या बात है। थोड़ा सा नंबर इस 5 हाँ बताइए। नंबर 5 बड़ा बुधा बड़ा बुधा, क्या बात है। 5 टूर्नामेंट का आपने नाम लिया, थोड़ा सा हम इस टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करते हैं, एसपीएल से शुरुआत करते हैं, सुकुने प्रीमियर लीग। क्यों आप उनका नाम नंबर 1 पे रखा, क्या खास बात रही है सुकुने प्रीमियर लीग जब आप जाते हैं खेलने के लिए? वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं और टाइमिंग भी बहुत सही होता है, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कमियां है जिसको सुधारना चाहेंगे सुकुने प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइज? कोई कमियां नहीं। आउटफील्ड पिच पसंद आया है? पेज पे तो बहुत ज्यादा रन बनता है। जी, गेंदबाज के लिए घाटा है। नंबर चलिए, सुकुने प्रीमियर लीग वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उनके सारे कर्मकर्ता को जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इस टूर्नामेंट को बहुत ऊपर की तरफ लेकर आए हैं। और एक चीज आपने भूल गए शायद, सोशल मीडिया का जो सिस्टम उनके पास है, जिस हिसाब से वो लाइव दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल मैचेस चल रहा है, तो सुकुने प्रीमियर लीग का ये खास बात रहा है। बागड़िया कप को कहा जाता है कि उड़ीसा का वर्ल्ड कप, टेनिस क्रिकेट पे हम जब भी देखते हैं तो वर्ल्ड कप, तो बागड़िया कप के बारे में क्या राय आप रखना चाहेंगे? आप वहां पे खेल चुके हैं, मुंबई टीम वहां पे जा चुका है, तो किस तरीके से माहौल बना था इस साल, और क्या बताना चाहेंगे आप बागड़िया कप के बारे में? इस साल तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे खेला था वो फील्ड पे, और फर्स्ट टाइम हमारा टीम भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, क्राउड भी बहुत बढ़िया था, पिच ग्राउंड सब कुछ बढ़िया था। पिच आपको पसंद आया बतौर गेंदबाज? जी, बड़ा बुधा टूर्नामेंट के बारे में आपने बात किया, जगत सिंहपुर घर के आसपास जैसे आप टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, ज्यादा टेंशन होता नहीं है, लेकिन
बड़ौदा एक ऐसा टूर्नामेंट है जो आपको टेंशन पे लाने के लिए मजबूर करता है। तो निश्चित तौर पर बड़ौदा टूर्नामेंट जो एक छोटा सा ग्राउंड है, लेकिन वहां पे गेंदबाज के लिए बचना बहुत मुश्किल है। आप क्या बताना चाहेंगे उस टूर्नामेंट के बारे में? बड़ौदा टूर्नामेंट मजा आता है आपको वहां पे खेलने के लिए? हाँ, मजा तो आता है, लेकिन ग्राउंड बहुत ज्यादा छोटा है, तो वहां पे रन तो बनता है, फर्स्ट इनिंग्स पे भी, जी सेकंड इनिंग्स पे भी, ग्राउंड भी बहुत बढ़िया रहता है। चलिए आप पाड़ंदा टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करते हैं। शायद देखा जाए आप पाड़ंदा तिरतुर ग्राउंड पे बहुत सालों से खेल रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है नूर निजामी का पाड़ंदा टूर्नामेंट के बारे में? कुछ तो बताइए, कुछ खास बात, कुछ पुराने किस्से कहानी। पाड़ंदा मैच पे मैं शायद स्टार्टिंग में 2-3 साल कंटिन्यू खेला हूँ वहाँ पे, तो इस वजह से वो ग्राउंड बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंस भी रहता है उधर। जी, खास तौर पर गेंदबाज के लिए, क्योंकि साइड बाउंड्रीज थोड़ा सा बड़ा है और पिच उस तरीके से बनाते हैं जहां पे गेंदबाज को थोड़ा सा मदद मिले, थोड़ा सा घास भी वो छोड़ देते हैं पिच के ऊपर, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा स्किड भी करता है। तो पाड़ंदा टूर्नामेंट पिच के नजरिए से देखा जाए तो बेहतर पिच माना जाएगा। चलिए अब टूर्नामेंट के बारे में हमने चर्चा की, पूरा टॉप 5 बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर टूर्नामेंट, और कुछ फियरलेस बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फिनिशर, गेम चेंजर, ऐसे तमाम सवाल का आपने जवाब दे चुके हैं। और आज शुक्रवार है, यानी कि थोड़ा सा आपके लिए टाइम कम है, हम फटाफट खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट के अलावा और क्या हवीस है नूर इजामी का, और क्या करना पसंद है आपको? फुटबॉल 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 खेलना फुटबॉल खेलना आपको पसंद है। खाने में क्या पसंद है, फेवरेट फूड आपका क्या है? बिरयानी। बिरयानी, क्या बात है। नूर इजामी, देखिए अब मॉडर्न डे गली क्रिकेट चेंज हो चुका है, बदलाव आ चुका है, क्या खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए? माशाल्लाह आपका फिटनेस लाजवाब है, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर को, क्या फिटनेस के ऊपर उनको काम करना चाहिए? मेरा आपका फेवरेट शॉट जब बैटिंग करते हैं कौन सा आपका फेवरेट शॉट है? ओवर कवर ओवर कवर्स, ओटीटी, क्योंकि टॉप क्लास खिलाड़ी हैं नूर निजामी। आपका स्टॉक डिलीवरी, ज्यादातर आप उस गेंद का इस्तेमाल करते हैं, शुरू। स्लोर वन, न्यू बॉल और ओल्ड बॉल, यानी कि नई गेंद पुरानी गेंद, किस पे आप कंफर्टेबल होते हैं गेंदबाजी करने के लिए? न्यू न्यू बॉल, स्ट्राइक बॉलर है तो नई गेंद, अब तो मजा आ रहा है उस नई गेंद के साथ विकेट चटकाना, और विकेट आप जैसे चटकाते हैं बहुत मजा आता है आपको देखकर, आपकी गेंदबाजी पे वो पहना पर नजर आता है। चलिए अब आपके फैमिली के ऊपर आते हैं, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके माताजी और आपके पिताजी का नाम बताइए। अबू का नाम है मीर शरीफुद्दीन जी, और अम्मी का नाम है अजीमुल कदर। सबसे पहले आपके माताजी पिताजी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन क्रिकेट वाणी की तरफ से, नमस्कार भी, और अल्लाह ताला जो नूर निजामी को उन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने उड़ीसा पे हर कोने पे जाके उनका नाम को रोशन किया है, और ये उम्मीद रहेगा हमेशा आप आपके परिवार के साथ खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और अल्लाह ताला का दुआ रहे कि आप और भी तरक्की करें और क्रिकेट पे आप और भी नाम कमाए और आपके पापा का नाम और भी आप ऊपर की तरफ लेकर जाए, यही हमारा संदेश रहेगा आपके फैमिली के लिए। घर पे सपोर्ट करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए? कभी डांट पड़ा है मम्मी का? कभी कभी नहीं नहीं। पड़ा, चलिए सपोर्ट है, ये चीज आपने खुलासा किया। और जब ये सपोर्ट मिल जाता है ना नूर भाई, तो फिर आप
आपकी जो कदकाठी है ना वो भी दुगना हो जाता है, आपकी जो जोश है ना वो भी दुगना हो जाता है, क्योंकि मम्मी मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरा पापा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आते हैं रैपिड फायर राउंड, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा, आसान सवाल पूछने की मैं कोशिश करूंगा, और देखते हैं उस सवाल का जवाब आप सही या फिर गलत देते हैं। बिल्कुल एक तो पहला सवाल आपके सामने, एशिया कप जो अभी चल रहा है, एशिया कप कुल मिलाकर भारतीय टीम कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? आपके सामने ऑप्शन में रखना चाहूंगा, 5 बार, 6 बार, 7 बार, एक गेस कीजिए। 5 बार, 6 बार, 7 बार, 7 बार। 5 टाइम। गलत जवाब, 7 बार जीत चुका है भारतीय टीम, आपकी बार 8वीं बार हो सकता है, कोई बात नहीं। ऐसा एक मैच जो सबको याद है, क्या आपको याद है ये मेरे को पता नहीं, भारत 36 पे ऑल आउट हुआ था एक टेस्ट मैच पे, 36 पे ऑल आउट हुआ था, किस टीम के खिलाफ 36 पे ऑल आउट हुआ था भारतीय टीम? टेस्ट मैच टेस्ट मैच, सिर्फ 36, कौन सा टीम जो भारतीय टीम को 36 पे ऑल आउट किया था, याद कीजिए। क्या वो ऑस्ट्रेलिया है, क्या वो इंग्लैंड है, क्या वो साउथ अफ्रीका है? आप कमेंट भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ सकते हैं आपके जो, जी जी बताइए, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। क्या वो डे नाइट मैच था या फिर डे मैच था? डे नाइट डे नाइट डे था, में पिंक बॉल टेस्ट मैच था जहां पे 36 पे ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया भारत को, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट को उठाकर देखते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को माना जाता है, सचिन तेंदुलकर कुल मिलाकर कितना सेंचुरी लगा चुके हैं अपने कैरियर पे? बहुत आसान सवाल है, अब यहाँ पे गलत होना नहीं चाहिए, तो देखते हैं। सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर कुल सेंचुरी मिला, हाँ सेंचुरी, कितना सेंचुरी लगा चुके हैं सचिन तेंदुलकर? बड़ा रिकॉर्ड है उनके नाम, और उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए विराट कोहली भी तैयार है। यहाँ पे आप कमेंट को देखिए, आपके जो फैंस है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनसे मदद ले हंड्रेड सकते हैं। 100 शतक, जी सचिन सचिन थैंक तेंदुलकर के नाम पर 100 शतक शुमार है। क्या आप ये चीज बता सकते हैं, ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट पे मैन ऑफ द मैच होने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन में रखना चाहूंगा, जैक कैलिस, एंड्रू फ्लिंटफ और कपिल देव, मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनके नाम पे है, जैक कैलिस, फ्लिंटफ और कपिल देव, टेस्ट मैच के बारे में मैं बात कर रहा हूं। टेस्ट मैच जी जैक कैलिस कैलिस, राइट आंसर। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र दे दनादन धोनी, हम बहुत उनके बारे में तारीफ करते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट पे उनका सर्वाधिक स्कोर कितना है? 224, 230, 240, 224, 230, 240, एक चूज कीजिए। 224 क्या बात है, ये सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, आखिरी सवाल, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को आप जब उठा कर देखते हैं, ऐसा कौन सा बल्लेबाज जिन्होंने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है इंडिविजुअली अपने लिए, वो तो टीम के लिए तो बनाते हैं लेकिन इंडिविजुअली वो कितना स्कोर बनाए हैं?
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को जब उठाकर देखते हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया का आरन फिंच, क्या वो भारत का रोहित शर्मा या फिर इंग्लैंड का जॉस बटलर? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट पे सबसे सर्वाधिक स्कोर इंडिविजुअली उन्होंने कमाल की बैटिंग की थी, आरन फिंच, रोहित शर्मा, जॉस बटलर। मदद ले सकते हैं आप आपके फैंस का। एरन फिंच। आरन फिंच, क्या बात है, ये आपने सही जवाब दिया। आरन फिंच 172 रनों का उन्होंने पारी खेला था और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो सर्वाधिक, एक बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाया था इंडिविजुअली। चलिए यहाँ पे रैपिड फायर राउंड को एंड करते हैं, अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर और यहाँ पे हम आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। नूर निजामी, पहला शायरी आपके लिए, बहुत दिनों के बाद हम इंस्टाग्राम लाइव पर वापस आ रहे हैं और पहला गेस्ट के तौर पर नूर निजामी हमारे साथ जुड़े हुए थे और थोड़ा सा नर्वसनेस था आपके अंदर कि क्या बोलूं मैं, कैसे बहुत ज्यादा बोलूं, बहुत ज्यादा। मैं लेकिन तो देखिए जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट गुजर जाता है ना इंस्टाग्राम लाइव पे, फिर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं, अरे यार बहुत मजा आया। चलिए अब शायरी राउंड, वो कहते हैं कि तेरी मेहनत तेरी पहचान है, बनना एक नाम का लाखों इंसान है, कि तेरी मेहनत तेरी पहचान है, बनना एक नाम का लाखों इंसान है, मूनलाइट स्पोर्टिंग के लिए तूने छोड़ा है एक ऐसा निशान, भाई का कूल का तू बन चुका है आन बान सा। अब ऐसे ही जानदार गेंदबाजी करे, शानदार बल्लेबाजी करे और पाई का कुल का नाम को और भी आप ऊपर की तरफ लेकर जाए, कि हालत के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, कि हालत के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी तारे जो जमीन पर नहीं गिरता, गिरती है बड़े शोक से समंदर में नदियां, कभी किसी नदी पे समंदर नहीं गिरता, बूझी समा भी जल सकती है, तूफान उसे भी कश्ती निकल सकती है, होकर मायूस यूं ना ना बदल अपने इरादे को, तेरी किस्मत है कभी भी बदल सकता है, हौसले के तीरकस पे कोशिश का वो तीर को जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का उम्मीद को जिंदा रख, वो उम्मीद आप है मूनलाइट स्पोर्टिंग के लिए। और एक बढ़िया शायरी जो लिखा था मैंने, कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाता है, और आपने दिशा को बदला है जिसके वजह से मूनलाइट क्रिकेट टीम का किनारा आपके आप बदल चुका है, कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी कर दो ईश्वर देने पर मजबूर हो जाए, और आपने कोशिश किया है, अल्लाह ताला को आपने मजबूर किया है, जो सफलता आपको मिलना चाहिए था वो मिल चुका है, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता नूर निजामी, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हाथों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो चोट लगना यानी कि आपको एक कुछ बड़ा चीज या फिर बड़े मुकाम पर लाकर आपको खड़ा करता है, तो चोट आपको सहना पड़ेगा और आगे की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। धोनी के ऊपर एक शायरी लिखा गया था कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी, हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है, महेंद्र दे तनातन धोनी। कभी भी क्रिकेट का कोई किताब लिखा जाएगा उसका फिनिशिंग चैप्टर लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। वो कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, एदम तुझमें तो उसे पाकर देखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तुझमें तो उसे मिटा कर देखा। क्रिकेट का मैदान हो, सामने कोई भी टीम हो, लेकिन आप मिटने वाला गेंदबाजी करते हैं। नूर निजामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका बहुमूल्य समय हमारे साथ व्यतीत किया, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए,
और भगवान के पास ये दुआएं रहेगी कि और भी आप ऊपर की तरफ जाए और परिवार के साथ आप हमेशा खुश रहे। जाते जाते एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये जो क्रिकेट वाणी का शो इंस्टाग्राम लाइव हो या फिर क्रिकेट वाणी का कमेंट्री, कितना पसंद है आपको और क्या बताना चाहेंगे आप क्रिकेट वाणी के बारे में? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है और जोश भी आ जाता है आप जब कमेंट्री करते हो थैंक यू थैंक यू। और एक सवाल मैंने लाइव। पूछना, मेरे बारे में बाद में बताएंगे, और एक सवाल मैंने पूछा नहीं आपके बारे में, आप बहुत सारे शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट खेलते हैं, इसे दो तीन शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट का नाम लीजिए। अभी किसी ने यहाँ पे पुट किया क्वेश्चन, तो मैं शॉर्ट बाउंड्री के बारे में जानना चाहूंगा, क्या शॉर्ट बाउंड्री पे ज्यादातर प्रेशर होता है? कुछ दो दो चार टूर्नामेंट का नाम लीजिए फटाफट। एक नोवा का टॉप पे आएगा, एक नंबर पे, और जी दूसरा जगासिंहपुर पे ब्लैक डायमंड, वो ऑर्गेनाइजर कोई करते हैं, वो एक टूर्नामेंट जी दो, और ग्राउंड शॉट बहुत सारा होता है सालेपुर साइड में, वो भी जी अच्छा टूर्नामेंट होता है उस साइड में। बिल्कुल। चलिए, आपका शॉर्ट बाउंड्री हो लॉन्ग बाउंड्री हो, आप तो लॉन्ग टर्म एक मतलब लाजवाब खिलाड़ी हैं। चलिए वही सवाल कि क्रिकेट वाणी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और एक बार, ये जो हमारा प्रयास रहा है इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से कुछ यंगस्टर को, कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को लेकर आना ओडिशा टेनिस क्रिकेट को किस तरीके से हम आगे की तरफ लेकर जा जाए, इसके बारे में हमारा जो सोच है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हम इंतजार किए हैं और यहाँ पे मैं मेरा डायरी क्लोज कर चुका हूँ क्योंकि हमारा शो खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते क्रिकेट वाणी के बारे में आपके जुआ से हम दो चार लाइन सुनना चाहेंगे, कुछ भी बता दीजिए। मेरा कमेंट्री पे तो मजा आता है आपको गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन आप कुछ ना बोले यही सब कुछ बता देता है कि आप कितना प्यार करते हैं क्रिकेट वाणी को। मैंने सही बताया ना? नहीं चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर जमकर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच नूर निजामी, थैंक यू सो मच।